सवाल है, 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। ऐसे क्वेश्चंस में हमको एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी होती पहले, तो कैसे पता करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको कराया है, उसमें बताया जब भी इक्वल टू का साइन आता है दो इक्वेशंस में, और ऐसा आपको बताया जा रहा है कि 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ऐसी क्या एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे कि दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। आप परसेंटेज परसेंटेज की वैल्यू को दोनों तरफ कैंसिल आउट कर सकते हैं पहले। तो 50 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको आप, तो फिर आप जब ऐसे करेंगे तो आपको एक्स माइनस वाई की वैल्यू 30 लेंगे और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 50 लेंगे, तभी आपकी दोनों तरफ की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी इक्वल टू साइन को। आप कैसे ले रहे हैं इसको वैल्यू को, एक्स प्लस वाई का करस्पॉन्डिंग आप दूसरी तरफ देखेंगे 50 है और एक्स माइनस वाई इसको 30 है। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे x माइनस वाई इजकल टू 30 और x प्लस वाई इजकल टू 50 को, तो आपकी वैल्यू ऑफ x आएगी 40 और y की 10। ठीक है, तो आप हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा, आस्क्ड इन क्वेश्चन व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो आपको सिंपली x और y की वैल्यू डाल देना, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या है 10, तो व्हाट परसेंटेज को आप हटाएंगे 1/100 से, तो वॉट बच जाएगा 40/100 इक्वल टू 10, तो वॉट इज इक्वल टू 25%, जो कि ऑप्शन ए है आपका आंसर। आइए देखते हैं, इसमें नोट है एक, कैसे ऑलवेज टेक दिस वैल्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30। आपका क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा अगर आप इस मेथड से करें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।